सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं जस, आज फिर आया हूं आप लोगों से एक और बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करने के लिए, बिजनेस मंत्रा के बारे में बात करने के लिए। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूं, एक एक्चुअली बड़ी अमेजिंग स्टोरी है। स्टोरी अभी सुनी थी मैंने पीछे, तो मुझे लगा आप लोगों से जरूर शेयर करूं। स्टोरी में यह था, सी बीच पे वेव्स आए और बहुत तेज वेव्स आए, तो अंदर की जितनी भी फिशेस थी वो बाहर आ गई किनारे पे, जितनी भी बहुत सारी फिशेस हजारों की तादाद में। तो एक छोटा लड़का था, आयान प्रताप सिंह के जितना होगा, हमारे बेटे के जितना या थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, तो वो खड़ा था अपनी मम्मी के साथ। और उसने क्या किया, जैसे वो फिशेस को बाहर आते देखा और वो किनारे पे थे क्योंकि पानी चला गया पीछे, तो वो फटाफट गया और हजारों की तादाद में जो फिशेस पड़ी थी वो वहां से उठा रहा था और अंदर की साइड में फिशेस को उठा रहा था और अंदर फिश आपके सी में फेंक रहा था, सब जितने भी उठा रहा था फिश को सी में फेंक रहा था। तो उसकी मॉम ने बोला कि आप ये इतनी सारी फिशेस हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में, क्या कर रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इन सबको आप फेंकोगे, कर भी नहीं पाओगे, उससे पहले तो वो मर भी जाएंगी। तो उसका एक बड़ा ही अमेजिंग जवाब था जो मुझे लगा कि आप लोग को जरूर मैं बताऊं। उसका जवाब ये था कि फर्क सबको नहीं पड़ेगा लेकिन इसको पड़ेगा, मतलब जो वो फिशेस को इमीडिएटली वापस सी में डाल रहा था, फेंक रहा था फटाफट फटाफट, उन लोग को वापस सी के अंदर डाल रहा था, उसने बोला इसको फर्क पड़ेगा, इसको फर्क पड़ेगा, इसको फर्क पड़ेगा। भले उसने बहुत सारी फिशेस को नहीं बचा पाया लेकिन जितनी भी फिशेस को बचाया उसको फर्क पड़ेगा। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, लाइफ के अंदर आपको रोज थोड़ा थोड़ा काम करना ही चाहिए। बहुत सारा नहीं कर पा रहे ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही ना, थोड़ा थोड़ा करो, इससे फर्क पड़ेगा लाइफ में। आप जब आगे जाओगे ना, पीछे मुड़ के देखोगे बहुत आगे आ चुके होगे। अगर मैं इसे बिजनेस से रिलेट करता हूं, थोड़े थोड़े अच्छे काम करो, जिंदगी में बहुत ग्रोथ होने वाली। अकेडमी में नहीं आके सीख सकते, अगर बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है या बहुत ज्यादा टाइम नहीं है या घर के लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा, ऑनलाइन कर लो, कोई तो रास्ता होगा, थोड़ा तो सीखने को मिलेगा, ऑनलाइन कर लो। चलो मैं बोल रहा हूं, आप बहुत बड़ा सैलून नहीं कर सकते, आप बहुत बड़ी एकेडमी नहीं कर सकते, छोटी कर सकते हो लोगों को हेल्प करने के लिए, कम से कम इसको तो हेल्प होगी भाई। आप एकेडमी में स्टार्ट करते हो, छोटी सी एकेडमी से स्टार्ट करते हो, लेकिन जितने बच्चों को पढ़ा पाओगे उनको तो हेल्प होगी, सबको नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको बहुत बड़ा करने वाले। मैं आप लोग को बोलूंगा अगर एकेडमी में ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, ऑनलाइन करो, आप लोग के लिए किया है ताकि थोड़े थोड़े स्टेप्स ले पाओ। आप बहुत बड़ी एकेडमी की फ्रेंचाइजी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, छोटा अमाउंट है, फोन करो इसी नंबर पे, अभी के अभी बात करो, आप लोग को बताऊंगा छोटा स्टेप कैसे ले सकते हो, भले वो सैलून का हो एकेडमी का हो, इसी के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। ये भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं आप लोगों के लिए, इसी नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, पता करो कि छोटे स्टेप्स हम लोग कैसे ले सकते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर छोटे छोटे स्टेप जरूर लेना। और यही सैम एंड जस ने किया, सैम मैम ने मुझे कभी रुकने नहीं दिया, बोले कोई बात नहीं, बड़ा नहीं हो पा रहा, छोटा करो, इसी पे ही हम लोग चल रहे हैं, मैं और सैम मैम, और आज यहां तक पहुंचे। मैं आप लोग को भी बोलूंगा रुकना नहीं, छोटे स्टेप्स लो क्योंकि इसको फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज भी आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करना उन सब बच्चों को जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन छोटा छोटा काम, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आप मंजिल पे पहुंच सकते हो, लेकिन वो आज से लेना है, अभी से लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।